ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः इक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रा उदासीन मध्यस्द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातु चित्रं नाति नीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षु व्यक्ति की जो साधना है वो कर्म है और जो योगारूढ़ व्यक्ति की साधना है वो है शमः मतलब निवृत्ति। यदि कोई साधक ऐसा सोचता है कि मैं कोई एक ऐसा समय आएगा जब मैं पूर्ण रूप से क्या हो जाऊंगा निवृत्त हो जाऊंगा तो ध्यान रखना ये स्थिति कभी भी आने वाली नहीं है। यदि वो ये सोचता है कि मेरी प्रवृत्ति कब खत्म होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी सभी प्रवृत्तियां क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी ऐसा भी समय आने वाला नहीं है। और निवृत्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि उसमें प्रवृत्ति एक भी नहीं होती। देखो जी निवृत्त से निवृत्त व्यक्ति भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रवृत्ति तो करता ही है। हो सकता है अन्यों की तुलना में प्रवृत्ति की जो मात्रा होवे वो बड़ी न्यून होवे बहुत कम होवे। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रवृत्ति शून्य और निवृत्ति शून्य जीवन होना आसान नहीं। इस पर थोड़ा विचार करना। साधक मनी मन एक ये भ्रांति क्या बना बैठता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मेरे सभी कर्म क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे मतलब मेरी प्रवृत्तियां सब क्या हो जाएंगी छूट जाएंगी तो वो उस समय का इंतजार करता है कि मेरी सब प्रवृत्तियां क्या हों छूटें। और आपको पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी सब प्रवृत्तियां छूट जाएं। अरे निवृत्त व्यक्ति के जीवन को भी देखें निवृत्ति के तो उसके जीवन में भी कुछ न कुछ तो व्यक्ति की प्रवृत्तियां दिखेंगी ही दिखेंगी। इसका मतलब ये हुआ साधक को तो अपनी अंतःकरण की वृत्तियों को थोड़ा वॉच करते रहना चाहिए और उसको एक ट्रेंड दिखाई देने लगता है कि मेरे जीवन में थोड़ा निवृत्ति अब आ रही है। लेकिन कोई ये ठान ले कि मुझे एक ऐसा सिग्नल मिलेगा कि मैं पूरा निवृत्त हो गया तो आपको पता है व्यक्ति फिर ख्याली पुलाव बनाता है।
कि विवाह हो गया, विवाह के बाद पुत्र पुत्री हो गए, फिर सोचता है कि बस अब मेरा काम हो गया। लेकिन फिर क्या आ गया, उनका भी विवाह आ गया, फिर उनके विवाह के बाद फिर उनके पुत्र पुत्रियां, तो आप तो पूरा का पूरा जीवन ही क्या हो गया, चला गया। शास्त्र तो इस गृहस्थ आश्रम को यहां तक अनुमति देता है कि उन पुत्र पुत्रियों के भी पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाने चाहिए। यहां तक किसका कार्य है, गृहस्थ का। अब वो स्वयं क्या बन गए, माता पिता, तो अब दायित्व किसका बना, उनका बना, क्योंकि उनको भी तो एक उपाधि मिली, कौन सी, माता और पिता, तो उनके कर्तव्यों का पालन उनको ही करना चाहिए। देखो जी, अब उसका कारण है आसक्ति, ममता। तो यहीं से व्यक्ति की साधना जो चालू होनी चाहिए, यहीं से साधना का उसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्योंकि पूरा का पूरा जो चित्त है, वो चित्त कहाँ लगा है, वो उनमें लगा है। देखो, चित्त साधना प्रदान तो कभी हो ही नहीं सकता। सोच के देखो आप, अपनी समस्या तो चलो है, वो व्यक्ति निपटा लेता है, लेकिन फिर आगे जो ये समस्या इनके पुत्र पुत्रियों की है, उसमें आप क्या करोगे। तो यहां अपने चित्त को बड़ा अनुशासन में रखना चाहिए। हो सकता है एक बारगी व्यक्ति को कठोर लगे, देखो जी संभव है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उस कठोरता को जितना डाइल्यूट किया जा सके उतना डाइल्यूट किया जाए। उससे बहुत बड़ी सामाजिक चिंतन यह है कि उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। देखो जी, वो जो एक दरमियान है शिशु का ना, तो उसी में तो माता और पिता की असली परीक्षा होती है। वही तो माता पिता का सुख है। अगर वही माता पिता उस का आनंद नहीं ले पाए, कठोर नहीं बन पाए, शक्ति सहन नहीं हो पाए, और किसी आप क्या कह लो, दाया बाया और जो जो भी कर लिया आपने, उसका असर दोनों तरफ ये पड़ता है, ना तो वो बच्चा मजबूत बन पाया, ना तो वो माँ बाप। देखो जी, आप देखते हैं जरा सी परिस्थिति आने पर आज का नवयुवक नवयुवती हिल जाते हैं, जरा सी परिस्थिति विपरीत आने पर। लेकिन पहले बड़े से बड़े दुख आ जाने पर वो जो माता थी, वो उस दुख को क्या करती थी, सहन कर लेती थी और आगे बढ़ती थी। आखिर ये सहनशीलता कम क्यों? तो मैं तो उनकी तरफ से जो समझाता हूं वो तो है ही है, आपके मत की ये है, यदि मैं उसमें पड़ा रहा तो आप सोचो आपके जीवन में निवृत्ति की व्यवस्था क्या होगी। किसी को लगता नहीं करना चाहिए, अच्छा आप करो, वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि फिर निवृत्ति की अवस्था आपके जीवन में कुछ निर्धारित की गई कि नहीं की गई? तो आप पाएंगे 60 जब 50-55 में ये चालू होना चाहिए जीवन, तो व्यक्ति और प्रवृत्तियों में क्या हो गया, पड़ गया। तो 60 और 70 तक आते आते वो वहीं पे एंगेज रहा, अब उसके शरीर में, मस्तिष्क में ये ताकत ही नहीं रही कि वो क्या कर सके, सुन सके, जा सके, पढ़ सके, लिख सके, ध्यान कर सके। देखो आप कभी सोच के देखना, ध्यान की साधना किसके लिए, भी सोचना। आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 70-80 साल के व्यक्ति को मैं कहता हूं 65 साल के बाद में भी अचानक एकाएक व्यक्ति को आप बैठा लो कि आप क्या करो, ध्यान करो, तो कर पाएगा व्यक्ति ध्यान, सोचो आप। इसका मतलब ध्यान की साधना बताई गलत गई, बताई नहीं गलत गई, उसकी तैयारी जो जीवन में पहले से होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम के अंत में, वो तैयारी नहीं की गई। देखो इसलिए ये फलघटित हो रहा है। तो इसमें बड़ा मार्क रखना चाहिए कि मैं इस बिंदु को याद रखना, किसी का जीवन प्रवृत्ति शून्य नहीं हो सकता, किसी का जीवन पूरा निवृत्ति शून्य नहीं हो सकता। इनकी मात्राओं में अंतर हो सकता है,
तो वह साधक अपने आप को खुद वॉच करे कि मेरी प्रवृत्ति की ओर दिशा अब ज्यादा हो रही है कि निवृत्ति की ओर। देखो कहीं शास्त्र नहीं कहता, ध्यान रखना, कि इस उम्र में निवृत्ति ले लो, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। मन कब प्रवृत्ति में चला जाए, कब निवृत्ति में चला जाए। लेकिन योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण, माना गया कि एक व्यक्ति ने प्रवृत्ति करके निवृत्ति को प्राप्त कर लिया। देखो जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना जीवन भर प्रवृत्ति ही व्यक्ति को दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आपको लैंड करना पड़ेगा, एक ना एक दिन अचानक होगा या तो फिर वो। और जब भगवान अचानक लैंडिंग करा देता है ना, तो व्यक्ति को फिर बहुत कष्ट होता है। एकदम से छीन ली वो चीजें आपसे, वाणी छीन ली, घूमना छीन लिया, खाना छीन लिया, जाना छीन लिया एकदम से, तो व्यक्ति फिर तरसता है इस बात के लिए कि एकदम से कैसा हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि जब प्रकृति अपने सिग्नल दे रही थी, तब आपने उसको क्या किया, इग्नोर किया। तो ज़्यादा दूर तक विदाउट फ्यूल आप सोचो कि आप उड़ा लो प्लेन को, तो कहीं ना कहीं तो वो जाके फिर क्या होगा, नष्ट होगा। ये जीवन का हाल है। इसलिए योगारूढ़स्य तस्यैव शमः, शमः मतलब निवृत्ति। तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और प्रवृत्ति का अंत कहीं निवृत्ति में होना चाहिए। कोई ये सोचे कि प्रकृति अपने आप ऐसा आश्रम चलते चलते एक दिन खुद क्या पहुंच जाएंगे, हम निवृत्ति में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं। देखो कभी भी नहीं संभव। वो तो इसीलिए बोला गया साधना है, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः, शमः मतलब साधना। साधना तो आपको खुद की खुद क्या होगी, करनी पड़ेगी, कोई आपको लाके नहीं देगा। अब वह योगारूढ़ की निवृत्ति की साधना क्या होनी चाहिए। देखो जी प्रश्न ये, आखिर निवृत्ति की साधना क्या होनी चाहिए। तो मैं आपसे जाते जाते कह रहा था, एक मिथ साधु लोगों में भी है, और वो बात बात में समझ में आता है। जब कोई सही गुरु, सही साधु, कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है तो समझाता है। अब इस दृष्टि को निवृत्ति अपनी हटा दो। अच्छा, जब आप साधु जगत में, मेरे ख्याल आप सभी ने कहीं देखा ही है, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, ये जो क्षेत्र हैं, इसमें निवृत्ति का अर्थ क्या, उसमें निवृत्ति का अर्थ क्या। तो मैंने आपसे निवेदन किया, टाइम पर भोजन कर लेना, तो 11 बजे भोजन कर लेना, 7 बजे शाम को भोजन कर लेना, ठीक है, थोड़ा गंगा जी का दर्शन कर लेना, थोड़ी सत्संग कर लेना, और अकेले में रहना, ये क्या है। सोचो क्या यही निवृत्ति है। उसमें भी मैं आपसे बताऊं, मुख्य आकर्षण यह है कि समय पर भोजन होना, ठीक है। आप उसको गलत दृष्टि से किसी साधु को मत देखना। आप उस साधु से बात करो तो सबसे पहले वो क्या कहेगा पता है, मेरा 11 बजे भोजन हो गया, 6 बजे ये हो गया। लो जी, यही उसके मतलब साधना जगत की जो बात रही वो यही रही कि समय पर भोजन करके सो जाना। देखो जी, वहाँ पे ऐसे कोई व्यवस्था ही नहीं कि आप इंटरटेन करो, वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि आप क्लब जा सको, वहाँ कुछ ऐसी मार्केट नहीं है। समय पर कार्य करने को निवृत्ति नहीं कहते हैं। मैं ये विचार आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। निवृत्ति का अर्थ यही नहीं है कि आपने एक रूटीन बना लिया, उस रूटीन को पालन करना, उस पालन करने का नाम क्या है, उस साधना से निवृत्ति से आप पहुंचे कहां, ये बताओ। प्रश्न ये है कि जो आप पहले थे, निवृत्ति की साधना ली, वेरी गुड, आप पहुंचे कहां। सोच के देखो आप। तो हम लोगों की इष्ट मित्र लोग हैं, तो अब कोई पढ़ा साथ का ही है, भले छोड़ दिया उसने,
बट वो लोगों की तकलीफ यही है कि देखो साबुन तेल और खर्चे के लिए तो व्यक्ति को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो 10 भंडारे में खाना खाता है, 10 भंडारे में, एक भंडारा में 10 या 20 रुपए मिल गया तो एक दिन में कितनी कमाई हो गई, 100, 200, 250 रुपए क्या हो गई कमाई। अब चित्त कहां लगा है, भोजन में थोड़े ना। आपको बताऊं अच्छे जो फक्कड़ साधु होते हैं उनको पूड़ी उड़ी कुछ नहीं अच्छी लगती, वो हम ही लोगों को अच्छी लगती, क्योंकि वो 10 जगह खा चुके होते हैं, उनको उससे लोभ नहीं है पूड़ी हलवा से, उनको लोभ किससे, उसके अंत में उसने छाता दिया कि घड़ी दी कि बैग दिया कि सूटकेस दिया कि अंगोछा दिया कि 10-20 रुपए दिए, पूरा जो ध्यान केंद्रित है वो वहां पे है। और इसी के कारण वो जो स्वास्थ्य था वो भी क्या हो गया, बिगड़ गया। देखो जी, तो जब भी वो बैठा तो उसको ध्यान किस चीज का आया, दक्षिण, 10 जगह यहां जाना था, मैं गया वहां नहीं मिला, यहां मिलना है, और ऐसे करते करते 10 जगह घूमा, नेचुरली थक जाएगा, थक गया तो आके क्या हो गया, सो गया। कहां सोया, आश्रम में। आश्रम में सोने को निवृत्ति नहीं कहते, तो घर में भी सो लो आप, समझना भाई, आप आश्रम में आके सो गए, बोले मेरा जीवन निवृत्ति पूर्ण है। आप क्या कहोगे, भैया इससे अच्छा तो घर में सोते तुम, सोने में क्या अंतर है, पकड़ना। अरे साधु महाराज उत्तरकाशी में सो गए, पहाड़ की बड़ी गुफा में जाके दिन रात सो गए, तो यहां सोने और वहां सोने में अंतर क्या है, यहां ठीक था ज्यादा, वहां और गड़बड़ है। पकड़ में आ रहा है ना, निवृत्ति का अर्थ हमने कुछ गलत डाल लिया। समय पर कार्य करने को, पेट भर भोजन मिल जाने के को निवृत्ति नहीं कहते। बोले फिर पहचान क्या है, पहचान यह है कि जो चित्त की स्थिति पहले थी, निवृत्ति की साधना के बाद चित्त की स्थिति में क्या अंतर हुआ वो बताओ। ध्यान रखना, अगर चित्त की स्थिति में अंतर होता है कहीं जाने से तो उस साधना को सराहा कहते हैं, ठीक है, तो आप निवृत्ति की ओर बढ़े। वही क्रियाकलाप करते हुए कहीं आश्रम में रहे तो भी कोई व्यक्ति की उन्नति नहीं हुई। लेकिन बड़ा गलत वाक्य है ये। एक बार यहां भी कोई पुराना सदस्य, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उसने एक स्वामी जी से ये बोला, बड़े वाले स्वामी जी से, तेजोमेन जी, कि मैंने आपके और गुरुदेव के करीबन 15 से 18 कैंप अटेंड किए, तो साधु को क्या होना चाहिए। अरे क्या बात है, मेरे 15 कैंप कर चुका। अब देखो ये असली गुरु और महात्मा के लक्षण होते हैं। मैं बगल में था इसलिए मैंने सुना। उन्होंने बोला माता जी अगर आपने 2 कैंप भी कायदे से किए होते तो तीसरे में आने की जरूरत, ये उत्तर बहुत बड़ा है, आपने 3 से 4 भी कर लिए होते तो आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि पहले वाला कैंप सब नाश हो गया तो दूसरा वाला फिर गए, पकड़ में आ रहा है, फिर तीसरे में गए, चौथे, आप पूरी जिंदगी आते जाते रहो, से हुआ क्या। एक बार की तो चोट लगती कि व्यक्ति क्या कह रहा है, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने व्यवसाय पर। लेकिन नहीं, सच बात तो यही है कि भैया ऐसा हो जाए कि दोबारा उसकी जरूरत ना पड़े तो वह क्रिया क्या हुई, सार्थक हुई। अध्यात्म में भी देखना, क्रिया तो वह है जो करने के बाद मुझे क्या कर दे, छोड़ दे। वह क्रिया करने के बाद अन्य दिन फिर उस क्रिया की जरूरत पड़े तो फिर उस क्रिया ने तो मुझे क्या कर लिया, फिर तो बंध गए। इसको बोलते हैं लोहे की जंजीर में नहीं बंधे, सोने की जंजीर में बंधे, लेकिन बंधे तो, बंधन तो है ही है, आगे आप पढ़ेंगे, चाहे तामसिक बंधन हो चाहे सात्विक बंधन हो, आगे वहां पे भी आए। शास्त्री एक सीमा तक अच्छे लगते हैं, आपको बताऊं। अब इस शास्त्र को लेकर सदैव ढोया जाए तो शास्त्र भी एक बंधन हो गए, देखो आप, हुआ कि नहीं।
कर्म इसलिए किया कि वह कर्म मुझे क्या कर दे, निवृत्ति दे, उल्टा उस कर्म ने मुझे क्या कर दिया। और ध्यान रखना, ध्यान की साधना भी यही है। जब विषय आएगा धीरे धीरे खोलूंगा। यदि ध्यान अंतःकरण की एक क्रिया है तो आप बहुत नीचे तबके की बात करते हो। इसको समझना, ध्यान एक अवस्था का नाम है कि एक चित्त की दशा का नाम है। ठीक है, दो विभाग रख रहा हूं सामने। ध्यान एक क्रिया का नाम है कि ध्यान एक चित्त की दशा का नाम है। यदि चित्त की क्रिया है तो यू हैव टू डू डेली। क्यों डेली करें? क्योंकि कल वाला मिट गया, आज वाला फिर से क्या करना है, प्राप्त कर। और इस रस की उत्पत्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया। ध्यान रखना, इसमें अवसाद भी होता है, उत्थान भी होता है, वो सावधानी से समझना। ध्यान में मिलने वाला जो आनंद है, बहुत सावधानी से, सतर्कता से, ध्यान में मिलने वाला आनंद चित्त की एकाग्रता, चित्त की निवृत्ति का आनंद है कि तत्व का आनंद है? पकड़ना जरा ध्यान से, सतर्कता, अपने आप को वॉच करना। जब हम ध्यान से उठते हैं और हम ये कहते हैं कि मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो ये इंक्वायरी करनी चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या अच्छा लगा। मुझे अच्छा ये लगा कि थोड़े देर के लिए सभी चीजें मेरे दिमाग से क्या हो गई, हट गई। और वो हटना ही व्यक्ति को क्या देता है, आनंद देता है। आखिर नींद में क्या आनंद है? थोड़ी देर के लिए सब चीजें हट गई तो प्रश्न हुआ, नींद में आनंद और ध्यान में आनंद, अंतर क्या है? एक प्राकृतिक है और एक पुरुषार्थ से सिद्ध है, और दोनों में चीज एक ही है, अभाव का आनंद। ध्यान से समझना, कहीं मैं अभाव के आनंद को लेने का आदि तो नहीं पड़ गया? थोड़े दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन चित्त उसके बाद आपका उठ जाएगा, ये पक्की निशानी। और जब उठ जाए तो आप समझ लेना, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिया का आनंद ले रहा था, अवस्था का आनंद ले रहा था। एक चित्त उस समय सात्विक अवस्था में पहुंच गया, इसलिए वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। उस सात्विक अवस्था में क्या हुआ, बोले वहां पर जो चिंताएं थीं वो सब क्या हो गई, थोड़ी दूर हो गई। सांस जो थी वो एक सहज भाव में क्या होने लगी, तो न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमे, तो उसका अपना एक आनंद है। सांस अपनी जगह से चलने लगी, चित्त में जो चित्त जो विषय थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, अलग हट गए, और एक आनंद की उत्पत्ति हुई। और मैं उस आनंद में लीन हो गया और आपसे पूछा गया कि आप कहाँ थे, बोले मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ था। आप समझना, 100% चित्त की सात्विक दशा का आनंद ले रहा था। एक लकड़हारा जेठ की धूप में, तपती धूप में लकड़ियों के गट्ठर को लेकर चला, और गट्ठर को लेकर चला तो उसको बहुत कष्ट हो रहा था। क्या करे, क्योंकि उसको घर में शाम को चूल्हा जलना था, कहां से लाए, लकड़ी खरीद नहीं सकता, दूर कहीं से लकड़ी ला रहा था। और 2-2:30 बजे की तपती धूप होगी, कहीं उसको एक पेड़ दिख गया, और पेड़ दिख गया तो कहीं एक चबूतरा दिख गया, उसके नीचे ही पेड़ के नीचे एक चबूतरा,
और बड़ा बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, और उसने उस बंडल को उठा कर क्या किया, नीचे रखा और उसकी आंख लग गई। उसको बड़ा आनंद आया। यह आनंद किस चीज का, भाव का कि अभाव का? उसके ऊपर जो बोझा था वो लकड़ियों का था, लकड़ियों का बोझा हटते ही उसको क्या आ गया, आनंद आ गया। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। समस्याओं के चित्त में जाते ही क्या आ गया, आनंद आ गया। ध्यान रखना, वो हटने का आनंद है, तत्व का आनंद नहीं है। कैसे कह सकते बोले आप, वो तत्व का आनंद है तो हां कह सकते हैं। यदि ध्यान में मिलने वाला आनंद प्रतिदिन बदले तो आप समझ लेना कि ये हां ये अंतःकरण का, ये चित्त का आनंद है। ध्यान से, फिर से, यदि ध्यान से मिलने वाला आनंद प्रतिदिन बदलता है, तत्व से मिलने वाला आनंद एक रस होता है। मैं तत्व से मिलने वाला आनंद एक रस, एक जैसा होता है, लेकिन सात्विक चित्त की दशा प्रतिदिन क्या होती है, बदलती है। तो आपके प्रतिदिन के आनंद में भी क्या होगा, ऊपर होगा। कहीं उस दिन चित्त नहीं हो पाया तो व्यक्ति क्या हो गया, नीचे आ गया। योग दर्शन में इसको बोला गया अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, उस भूमि को वो लब्ध नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया। क्या नहीं प्राप्त कर, चित्त की भूमियां हैं। क्या भूमियां हैं, चित्त की पांच भूमियां क्या हैं आखिर, और किसने किया है यहां कोर्स? ये लोग डिग्री होल्डर हैं बताते हैं कथा कथित। सोचो आप फर्जीवाड़ा क्या चलते हैं। उसके लिए वेदांत की क्लास भी छोड़ दी थी, दो साल डेढ़ साल, ठीक से नहीं वो पातंजल का कोर्स का। अरे भैया ये कम से कम इतना तो याद रहे ना, मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं कि क्या पढ़ा क्या आपने। चित्त की पांच जो भूमियां बताई गई वो क्या हैं, और किसी ने पढ़ा पातंजल योग सूत्र? अब पढ़ा भी होगा तो क्यों बताएगा, कहेगा और फंसने के लिए आपसे। विचारानुगत भूमि ऐसा आता है, ध्यान की भी पांच वहां चित्त की स्थितियां बताई गई। खैर क्या करना, उस भूमि को जब वो टच करता है ना, देयर फाइव लेयर्स, और उन फाइव लेयर्स को टच करने का आनंद अलग अलग है। जो पहला है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरा है वो तीसरे में नहीं है, जो तीसरे में वो चौथे में नहीं है। देखो जी, तो आनंद की जो क्वालिटी है उसमें भी अंतर है। आप देखो ये चित्त की भूमियां हैं, इसीलिए बोला गया अलब्ध भूमिकत्व। मैं सिर्फ यहां से ये कहना चाह रहा था, कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि मैं एक दिन पूरा प्रवृत्त हो जाऊंगा, कोई ये ना सोचे कि मैं एक दिन पूरा निवृत्त हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, ऐसा कभी समय आने वाला नहीं। निवृत्ति करेगा तो भी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति करे तो भी उसकी निवृत्ति हो सकती है, पॉसिबल है, पहली चीज। अब वह निवृत्ति की साधना में आया तो उसके लिए यहां से जो मंत्र प्रारंभ होते हैं उसको बोलते हैं ध्यान के मंत्र। देखो जी, अभी शुरुआत से की, ध्यान रखना तत्व पे नहीं गया अभी, कहां से शुरुआत से कैसे ध्यान में एंट्री की जाए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहां से करो, अभी इस टाइम बीइंग के लिए आपको परिभाषा ध्यान की क्या की जाए, क्या करोगे आप ध्यान की परिभाषा? ध्यान की परिभाषा देनी हो तो आप क्या दोगे परिभाषा?
तत्व में नहीं आ सकते अभी। जो व्यक्ति बैठा वो एकदम से तत्व में कहां चलाएगा, क्योंकि ध्यान सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं है, ध्यान तो बिजनेस में भी है, ध्यान तो शिक्षा के जगत में भी है, ध्यान तो संगीत के क्षेत्र में भी है। कहा यह गया कि अंतःकरण को सुने हुए गुने हुए लक्ष्य में नियोजित करने का नाम ध्यान है। ध्यान से समझना, यहां एक एक करण भी है और एक लक्ष्य भी है। फिर से परिभाषा यह है, योगी देखो परिभाषा जरा, परिभाषा क्या पहले अच्छा आप यही देख लो, योगी युंजीत सततम, अंतःकरण को सुने हुए गुने हुए चुने हुए लक्ष्य में समाहित करने का नाम ध्यान है। अब ध्यान किधर होवे, जो लक्ष्य है वो तो है ही है, लेकिन मैं अपने अंतःकरण को जो मैंने चुना है लक्ष्य उसमें रख देना, ये जिस क्रिया से हो रहा है उस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, ध्यान। कभी इस विषय पे मेरा आपसे चर्चा हुई होगी, समाधि और ध्यान के दो अर्थ हैं, समाधि क्रिया का भी नाम है, समाधि तत्व का भी नाम है। ध्यान से समझना, नहीं होता तो उसको पूछ लीजिएगा। जिसमें मन या जिससे मन समाहित हो जाए, समाहित मतलब समझ गए ना, अच्छी तरीके से उसमें रख दिया जाए, जिसके द्वारा मन समाहित अच्छी तरीके से होता है, जिसके द्वारा, उसको ध्यान कहते हैं। ये क्या हो गई, क्रिया। जिसमें मन अच्छी तरीके से शांत होता है उसको भी समाधि कहते हैं। ये क्या हो गया, तत्व। दो 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 चीजें फूटी इसमें से, जिसके द्वारा मन समाहित हो जाए, जिसके द्वारा, दैट प्रोसेस, दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, ध्यान। ये क्या हो गया, क्रिया का ध्यान। अच्छा, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, जिसमें मन समाहित होता है, किसमें मन समाहित होता है, बोले तत्व में, ब्रह्म में, आत्मा में, तुरीय में, एक में, अद्वैत में, जिसमें मन समाहित होता है। संस्कृत वाले देखें, एक तो थर्ड केस है, एक सेवेंथ केस है, करण से के द्वारा, अधिकरण में पर। जिसके द्वारा मन समाहित होवे वो भी ध्यान है, जिसमें मन समाहित होता है, किसमें समाहित हुआ, बोले आत्मा में, चैतन्य में, ब्रह्म में। तो जिसमें समाहित हो उसको भी क्या बोलते हैं, ध्यान। तो एक ध्यान किसका नाम हो गया, तत्व का, एक नाम किसका हो गया, प्रक्रिया का। मतलब ध्यान रखना चाहिए कि किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई है। अच्छा, तो परिभाषा क्या दी गई, अंतःकरण को अपने चुने हुए सुने हुए, देखो चुने हुए सुने हुए गुने हुए उसमें नियोजित करना, समाहित करने का नाम क्या है, ध्यान। अब आपने जो चुना, जो सुना, जो गुना, इसमें अंतर हो सकता है। एक व्यापक परिभाषा दी गई, यहां आत्मा की बात नहीं की गई। देखो आपने जहां चाहा वहां अपने मन को इन्वेस्ट कर दिया, इस राग में, इस स्वर में, यहां पर, और आपने अपने मन को वहीं पे क्या कर दिया, लगा दिया, वो क्या हो गया, ध्यान। हमने ब्रह्म में लगाया तो चुना, लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्य चुना हुआ थोपा हुआ नहीं, पहली चीज।
ये साइड इफेक्ट इसके देखना, आपने नहीं चुना, किसी ने जबरदस्ती चुनवा दिया, तो गुरु ने जबरदस्ती कह दिया करो 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 ना भैया, वो ध्यान नहीं होगा, चार दिन में भाग जाएगा आदमी। चुना हुआ किसका? स्वयं का चुना है, मैंने खुद चुनाव किया है, यही नहीं, सुना हुआ। सुना हुआ मतलब वह व्यक्ति ध्यान नहीं करे, मैं साफ कह रहा हूं, जिसने श्रवण की साधना नहीं की। आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, सुना होना बड़ा जरूरी है, श्रवण की साधना सबसे ज्यादा जरूरी है। चुना हुआ, सुना हुआ, सुना ही नहीं, गुना हुआ, गुना हुआ मतलब मनन, हो गया ना। अंतःकरण को चुने हुए, सुने हुए, गुने हुए में नियोजित करना, समाहित करने का नाम क्या है? ध्यान है। इसलिए साधक से कहा गया, योगी युंजीत, जोड़ो, किसको जोड़ो? आत्मानं युंजीत। अब श्लोक पे भी आ जाना अपने, दसवां श्लोक, योगी हे योगी, जो आरुरुक्षु था, जो योगारूढ़ है, जो ध्यान की प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहता है, उसके लिए पहली चीज आत्मानम युंजीतर। अन्वय ऐसा करेंगे, अन्वय मतलब इसको अलग अलग करना पद को, आत्मानम युंज, आत्मानम का अर्थ यहां पर ये मत लेना आत्मा, ध्यान से समझ लेना, आत्मानम का अर्थ यहां पे आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं है। आत्मानम युंजीत, आत्मा को जोड़ो, आत्मा किसी से नहीं जुड़ती ना हटती है, इसलिए आत्मा शब्द नहीं है यह अर्थ। क्या आत्मानम का अर्थ? हाँ, अंतःकरण। बोले क्यों अंतःकरण को आत्मा बोल दिया? क्या कहोगे आप? अंतःकरण को आत्मा शब्द क्यों बोल दिया? हाँ, जिस जिस में मेरा मम भाव होता है वह सब सब चीजें आत्मा कहला सकती हैं। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से पकड़ना, ये एक गीता का बहुत टेक्निकल टर्म है, आदमी व्यक्ति समझ नहीं पाता। जिस जिस चीज में आपका मम भाव होवे, मम भाव मतलब मैं समझता हूं कि मैं ये हूं, वह चीज आत्मा कहलाएगी। व्यक्ति को कहा गया उपनिषदों में, पुत्र को ही समझता है कि मैं, मेरा पुत्र मतलब मैं ही हूं, तो पुत्र को भी क्या बोल दिया गया? आत्मा। अगर मैं अपने शरीर को, हे भगवान, मैं अपने शरीर को भी ये समझता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो शरीर को भी कई बार क्या बोला गया? आत्मा। फिर से पकड़ना, जिसमें मेरा मम भाव है उन सबको आप आत्मा कह सकते हो, ठीक है। मेरा मम भाव किसमें? शरीर में है, मैं शरीर हूं, शरीर को भी क्या बोल दिया गया? आत्मा। अंतःकरण में क्या भाव है? मेरा मन, तो उसको भी क्या बोल दिया गया? आत्मा। कई बार पुत्र को भी क्या बोल दिया गया? ये आपकी क्या है? आत्मा, तो उसको भी क्या बोल दिया गया? आत्मा। जहां जहां मम भाव वहां वहां उसको आप संज्ञा क्या दे सकते हैं? आत्मा, ठीक है। अब आइए, योगी युंजीत, हे योगी जोड़ो, जोड़ो इसका मतलब जोड़ो तभी कहा जा रहा है जब पहले से जुड़ा नहीं, जुड़े हुए को जोड़ने का नाम थोड़ी ना कहेंगे, पकड़ में है ना शब्द? क्या कर जोड़ो, अलग हो गया है अभी, कौन? आत्मानम, आत्मा को जोड़ो। इसे परिभाषा में देखना, अंतःकरण को चुने हुए, सुने हुए, गुने हुए लक्ष्य में रखना, किसको?
किसको? अंतःकरण। अंतःकरण के लिए शब्द क्या आ गया यहां? आत्मानम। योगी युंजीत आत्मानम, हे साधक अपने अंतःकरण को उसमें रखो। कठिन पड़ेगा। चित्त को चित बना दो, कह रहा था ना मैं उस दिन, चित्त को चित बना दो। चित्त मतलब, चित्त मतलब अंतःकरण, चित्त मतलब अंतःकरण और चित्त मतलब चैतन्य। चित्त में, चित्त और चित्त में एक आधा ता का ही अंतर है, इसलिए कई बार हिंदी में ऐसा पढ़े डालते हैं लोग, चित्त अलग है चित अलग है। सत चित आनंद, सत चित आनंद। चा में छोटी की मात्रा त, तो में हलंत, उसको क्या बोलते हैं? चित। और चित्त, चा में छोटी की मात्रा आधाता और पूराता, तो बोलते हैं चित्त। महात्मा लोग कभी कभी मौज में बोलते हैं चित्त को चित बना दो, तो आध्यान हो गया, हो गया। योगी युंजीत किसको? आत्मानम। योगी आत्मानम युंजीत, जोड़ो। अच्छा भाई जोड़ दिया, कब तक? सुबह प्रातः शाम? बोले सततम। वो दो ही तीन शब्द हैं, आप मनन करो तो दो ही तीन लग, ऐसे लगता है तो ये तो एक ही लाइन है, लेकिन आप इसे मनन करो तो देखो सततम। कब तक जोड़े? सतत जोड़ के रखो, क्योंकि तुम ध्यानाभ्यासी हो, तुम्हारे जीवन का अब ध्यान रखना है। साधारण साधक को नहीं कह सकते आप दिन भर ध्यान करो। तुमने यदि निवृत्ति की साधना ले ली है तो अब तुम करोगे क्या फिर? तो तुम्हारा 24 घंटे जो निगाह होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए? उसी चैतन्य पर, उससे जुड़ने की कोशिश करो। बोले महाराज 24 घंटे नहीं हो सकता। देखो जी, जहां मेरी महिमा बुद्धि है वहां सब 24 घंटे ध्यान होता है। धन के पीछे आदमी रात में सोते सोते भी चिंतन करता है, नहीं करता? ये दो बैठे ना, पादुका पूजा को भी गोली मार देते हैं ये दोनों, क्यों? किसके चिंतन के? अब बुरा नहीं मानना, और मैं तो बोलता ही हूं, इसको लेकर उसको अपनाने का मतलब क्या? ये और वो दो छोड़ देना, कौन है वो छोड़ो, ये और वो, ये और वो मतलब इसको छोड़कर उसको अपनाना। प्रश्न है उसको क्यों अपनाया? क्योंकि मेरी महिमा बुद्धि वहां है, मेरी समाधान की बुद्धि वहां है, मेरी समस्या का हल वहां है। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए उस विषय में उसकी क्या है? महिमा बुद्धि है। अब आप उसकी महिमा बुद्धि कहीं होवे और आप उसको लगा दो किस में? बैठो जबरदस्ती भाग जाएगा वो, ऑलरेडी ऐसे भागेगा आपको बताऊं, अगर आप ध्यान कराओगे। कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी के प्रिय दाम। देखो भैया, जो सच बात है उसको कहने देना है ना, उसमें मत रोकना। संतों ने बार बार सुबह शाम ये श्लोक रटते रहे, कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर। यही बोला है ना, कामी नारी प्यारी जिमी, या जो कामी व्यक्ति है वो कहीं भी रहे, सत्संग में रहे, घर में रहे, ध्यान में रहे, पूजा में रहे, उसका जो चित्त है वो किस में जाता है पता है? काम। वो ये नहीं देखता कि कहाँ है कैसे हैं, वो वही एक चित्र को खींचता है आगे। कब खींचता है? बोले कब नहीं खींचता ये बताओ आप, कब नहीं खींचता? क्योंकि उसका विषय वो है तो वही तो करेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लोभी के प्रिय दाम, लोभी मतलब लालची, धन प्रेमी,
उसका 24 घंटे जो चिंतन का विषय होगा वो क्या होगा? ध्यान होगा, आप देखना। और अपने समय में वो चिंतन ठीक है, मैं ये भी कहूं, ध्यान है, अपनी उसकी उम्र की एक अवस्था, उसकी आवश्यकता, उसका जीवन, तो वो अपना वहीं करेगा। अब आप एक उभरता बिजनेसमैन हो और आप उससे बोलो तो तुम ये करो, तो वो क्यों करे भाई? उसकी अगर महिमा बुद्धि नहीं तो क्यों करेगा? तो उसका चिंतन किस में चलेगा? जहां उसकी महिमा बुद्धि होना चाहिए। लोभी के प्रियदाम, वो भगत तुलसीदास जी कहते हैं, जब कामी 24 घंटे काम का ध्यान कर सकता है, जब लोभी 24 घंटे करता है, तिमि रघुनाथ निरंतर, तो को शब्द क्या लगा दिया भैया, तो फिर मैं अपने ईश्वर का ध्यान निरंतर क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता जब लोभी कर सकता है? तो कहता है, भगवान आप मेरे चित्त में आके बस जाइए, मेरे चित्त में आके निरंतर बस जाइए, हो सकता है। पहले उसने दो दृष्टांत क्या कर दिए, दे दिए। देखो, योगी युंजीत, जोड़ो, किसको जोड़ो? आत्मानम। कब तक जोड़े? सततम। अच्छा जी, नेक्स्ट, वाह्य साधन कैसे जोड़ें, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या करें? तो देखो, वाह्य साधन में सबसे पहले बोलते हैं रहसी स्थितः। देखो, रहसी स्थितः बड़ा अच्छा शब्द, कहीं जाकर एकांत में रहो। देखो, इसका मतलब ध्यान उस देश में होना चाहिए जो कैसा हो, एकांत देश हो। प्रार्थना वहां करो जहां कहां हो, एकांत हो भाई। एयरपोर्ट पे जो प्रेयर रूम होता है, उसमें क्या अनाउंसमेंट होता रहता है, वहां टिकट कटता रहता है, चेक करता है, वो जो प्रेयर रूम है वो कैसा है, एकांत देश का, वहां आवाज ना जाए, वहां शांत रहे। ये जीवन के लिए बहुत बड़ी साधना है, आप खोजो आप ध्यान भीड़ में। हमारे गुरुदेव ने तो इस पे ऐसा धर्मों को लताड़ा है, आपसे बताऊं, बोले कुछ धर्म ऐसे हैं कि रोड के बीच में सब नमाज अदा की जा रही है, क्यों? ये एकांत देश है, बोले दूसरों को परेशान करके, ट्रैफिक जाम करके, एक ही कपड़े पहनकर, एक ही जगह कमर हुला के, सब मिलिट्राइजेशन जैसे होता है ना, एक जैसा सब कुछ होना चाहिए। बोले भैया आपका हिंदू धर्म मिलिट्राइजेशन नहीं करता, बहुत बड़ी चीज है, देखो ध्यान रखना। और उन्होंने कब की बात ये बात बोल दी थी, एक ही जैसे वस्त्र पहन के आना, आपसे कब कहा गया कि आप एक ही जैसे मंदिर में पहन के जाओ, लाल पीले नीले काले जो पहनना वो पहनो, एक ही एंगल में झुको तो इस दिशा में, यहीं झुको तो उस दिशा में वो। बोले हमारा धर्म कोई मिलिट्री जैसा रूल नहीं करता, हमारा धर्म कहीं रोड के बीच में खुले में ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता, वो क्या कहता है, रहसी स्थितः, जहां किसी को कष्ट ना हो तुम्हारे जान। अभी तो विषय बहुत बड़ा, भगवान ने जब पूछा कि मैं कहां रहूं, भगवान ने एक बात बोला, भगवान वाल्मीकि जी मुझे वो स्थान बताना कि जिससे साधु लोगों को कोई कष्ट ना हो, और ध्यान रखना ये भी कहा था, और दुष्टों को कष्ट हो तो होने देना, ये भी बोला है साथ में, पढ़ना चौपाइया, दुष्टों को कष्ट होवे तो होने देना, उसकी परवाह आप मत करो, लेकिन साधु को मेरे जाने से कहीं मेरे कारण कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसमें उनकी साधना क्या हो जाए भंग, वो स्थान मत बताना। इसका मतलब भगवान ने भी ऐसा स्थान क्या किया है, पूछा है। तो ध्यान के लिए जो पहली चीज है वो है रहसी स्थितः, ऐसा देश चुना जाए जो कैसा हो, एकांत हो। हम भगवान इसको देखना क्या लिखा है यार, रहसी, भाष्यकार भाष्य को भी देखते जाना भैया, योगी, योगी का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया, ध्यायी, देखो सबको नहीं बोला योगी,
सबको नहीं, जो ध्यान करने के लिए निकल गया उसी के लिए संबोधन क्या है, योगी ए ध्यायी समादध्यात सततम। सततम का अर्थ क्या है, सर्वदा। आत्मानम, देखो जी आत्मानम का अर्थ क्या किया, आत्मा नहीं क्या, अंतःकरणम। रहसी, रहसी मतलब रहना, कहां रहना, एकांते। देखो जी एकांते बोले कहां है एकांते, बोले गिरी गुहा आदौ, रोड नहीं बोला, चौराहा नहीं बोला। आप देखो आप गिरी गुहा, और भगवान को उस समय नहीं समझ में आएगा, और भी हो सकता है बाद में, तो इसलिए शब्द क्या लगा दिया, आदो। बाद में गुरुदेव ने इसको बोला यदि घर में भी आपके एक एव अंतः, एकांत का मतलब क्या हुआ, जहां एक का भी क्या हो जाए, अंत हो जाए, ऐसा स्थल जहां आपका मन भी क्या हो जाए, लय हो जाए, वो कौन सा प्रदेश हो गया, एकांत। अब बाद में भी आएगा, अब कोई गिरी और गुहा की तलाश में पहले निकला तो आधा जीवन तो किस में चला जाएगा, न गिरी मिलेगी ना आपको गुहा मिलेगा। और यहां आदत पड़ गई अगर अटैच की, तो वहां कौन गिरी और गुहा में अटैच मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ध्यान सोचो जरा, प्रैक्टिकल सोच के देखना आप, वहां क्या अटैच होगा, सब एक ही जैसा होगा आपको। तो इसलिए गिरी गुहा आदौ स्थित सन एकाकी, देखो जी असहाय, देखो ध्यान में ऐसी स्थिति पैदा की जाए, ध्यान के लिए सबसे पहली चीज है अपने अंतःकरण को जोड़ो। कब तक जोड़ो, सर्वदा जोड़ूं, कहां जोड़ूं, ऐसा प्रदेश जहां एकांत हो, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब या मैं किसी को डिस्टर्ब ना हो, दोनों चीज होनी चाहिए, ध्यान रखना। आप भी किसी को डिस्टर्ब करते हो, बोले मैं क्या कर रहा हूं, आप मुख मुद्रा बना के बैठ गए तो अब लोग आते जाते रहेंगे, वो किसको देखेंगे, तो ट्रैफिक को गड़बड़ किसने किया, सोचो, आपने कुछ नहीं किया, पर आपके कारण लोग तो गड़बड़ हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो जी कहीं आडंबर, कहीं दिखावा ना बन जाए, ये याद रखना, मूल बात ये ढोंग नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मैंने देखा है ध्यान करने 10 लोग होंगे तो ही ध्यान करेगा, एक नहीं करेगा, 10 आ गए आगे पीछे देख लिया, मैं कहता दूर दूर बैठो कि जिससे एक दूसरे को मत देख सको, नहीं। अभी दिखाएंगे आपको भी, एक करता है दूसरे वाले पर एक ऐसी कनकनी से देखता है, ये क्या कर रहा है, उससे वो बैठा तो मैं भी, अब जब तक वो उधर बैठा तो वो उसको देखता है, बोले आपको कैसे पता, मैं भी ऊपर से देखता रहता हूँ, ये बातें एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, वॉच। अब वो सोच रहा है इसका ध्यान टूटे, वो सोचता है इसका ध्यान टूटे, तब ध्यान खत्म हुए। भैया ये सब कोई ध्यान नहीं है, सब तो ध्यान का ध्यानाभास है, ध्यान का आडंबर है, ध्यान तो अभी आएगा, ध्यान ऐसा होवे। मैं बार बार बोलती कि हमें अपने पड़ोसी का भान ही ना रहे कि वो क्या कर रहा है, हमको तो ये भी ना पता लगे कि ध्यान खत्म हो गया, तो समझ लो वो क्या है ध्यान। तो पहला